राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज आपके साथ में कुछ दिन पहले मैंने ये कटिंग शेयर की थी, जो मैंने हिबिस्कस की कटिंग लगाई थी और उसका ये लगभग 3 से 4 महीने का रिजल्ट है मेरा। इस कटिंग को मैंने बिल्कुल जो सैंडी सॉयल थी नॉर्मल वाली, उसी में मैंने इस कटिंग को ग्रो किया था और कटिंग्स काफ़ी थी लेकिन कुछ एक कटिंग ही मेरी अच्छे से ग्रो पाई थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी पूरी कटिंग्स ग्रो नहीं होती है, ये देखिए। तो आज इस कटिंग को है वो मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो इसके लिए पोट लिया है वो 10 इंची का पोट है मेरा ये, और अभी मैं इसी में इसको ग्रो करूँगी। इसकी पुरानी मिट्टी थी जो मैंने निकाल दी है, ये देखिए कुछ प्लांट्स था इसमें बट वो थोड़ा सर्दी ज़्यादा थी उसकी वजह से ख़राब हो गया था। लेकिन ये देखिए आप मिट्टी देख सकते हैं, एकदम जो पोरस मिट्टी होती है वो वाली इसकी जो सॉइल है वो मेरी है। फिर भी मैं इस मिट्टी में चूंकि थोड़े और न्यूट्रिशंस ऐड हो जाएं इसके लिए मैं थोड़ा इसमें ये जो वर्मी कंपोस्ट है वो ऐड कर दूंगी। ये देखें इस तरीके से ऐड करने के बाद में मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। देखिए अब चूंकि फैब स्टार्ट होने वाला है और बसंत का आगमन स्टार्ट हो जाएगा, वो और मोस्टली हो ही चुका है कि नई नई जो पॉपल्स है वो निकल रही है। तो ये जो टाइम है सर्दी जाने के बाद में, जो अब जैसे टेम्परेचर है, दिन का जो टेम्परेचर रहने लगा है 25 के लगभग, हमारे यहाँ का बता रही हूँ कि 18 से 25 के लगभग का जो टेम्परेचर जो हमारे यहाँ रहने लगा है, इसके अंदर जो प्लांट्स को रिपोर्ट करना है, कटिंग्स को ग्रो करना है, बहुत ही बेस्ट टाइम है। आप इस वक्त अपने जो भी प्लांट्स लाए हुए पहले से रखे हैं, जैसे मेरे पास 2-3 हैं, वो सभी को रिपोर्ट करने वाली हूँ। और जो आप कटिंग्स अगर ग्रो करना चाहते हैं तो अभी के लिए ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। तो चूंकि मिट्टी ये देखिए आप देख ही सकते हैं, तो अब मैं इसको फिल कर दूंगी इसमें हाफ से ज़्यादा और उसके बाद में इसको रिपोर्ट। तो अभी आप रिपोर्टिंग भी कीजिए प्लांट्स की, और प्लांट्स को थोड़ा न्यूट्रिशन देने का भी टाइम है, वो वीडियो भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी कि हमें फैब के अंदर किस तरीके से प्लांट्स को जो है एक बार पूरी तरीके से फीड कर देना चाहिए न्यूट्रिशंस, ताकि वो अच्छे से ग्रो करते रहें। क्योंकि बहुत सारे प्लांट जो हमारे थे वो डोरमेंसी में थे इतने दिन, तो अब डोरमेंसी में उनको ज़रूरत नहीं थी और हमने उन्हें कोई न्यूट्रिशंस दिया भी नहीं था। लेकिन अब जैसे ही स्प्रिंग आएगी और उनका जो डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो उनको फूड की ज़रूरत होगी, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होगी और वो हमें उनको देना है। तो उसके लिए एक मैं अलग से आपको वीडियो शेयर करूंगी कि किस तरीके से हमें न्यूट्रिशन देना है और क्या क्या यूज़ करना है। तो ये देखिए मैंने हाफ से थोड़ा ज़्यादा फिल कर लिया इसको, और अब मैं इसमें से प्लांट निकालूंगी। क्योंकि ये नर्सरी का प्लांट नहीं है कि इसमें रेड मिट्टी वगैरह कुछ हो, तो जैसी मिट्टी में है नॉर्मल गार्डन सॉइल है, ये थोड़ी सैंड है इसमें मिक्स की हुई, तो मैं इसको एज इट इज ऐसे ही निकाल के इसके अंदर रिपोर्ट करूंगी। तो मैं इसको एक बार निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, रूट्स आप देख सकते हैं कि ये पूरी अच्छे से इसकी जो रूट्स है वो डेवलप हो चुकी है, और ये मैंने जो प्लांट है वो ऐसे इस तरीके से निकाल लिया था। तो इसकी बस ये ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी है जो मैं हटा रही हूँ, वो भी ऐसे ही ताकि कि उसमें मिट्टी थोड़ी अच्छे से फिल हो जाए। और बाकी आप जो इसकी रूट्स है आपको दिखाई है मैंने कि कितना अच्छे से जो इसने ना रूट इसकी डेवलप हो चुकी है। अब मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करूंगी तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और एक मेरा नया और फ्री का प्लांट तैयार होने वाला है जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स का है। तो चलिए इसको रख देते हैं, अब इसमें रिपोर्ट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से प्लांट्स को मैंने रख दिया है, मिट्टी हटाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो बाकी की मैंने मिट्टी बनाई है इसमें, देखिए कुछ बनाना पील्स जो ड्राई वाले हैं वो भी ऐड किए हुए हैं मेरे, और ताकि ये जो हिबिस्कस के लिए बहुत ही बेस्ट एक फर्टिलाइज़र होता है जो कि उसको स्लोली रिलीज़ होता रहता है, मतलब ये धीरे धीरे अपने आप इसके अंदर मेल्ट होके और मिट्टी में चले जाएंगे, और जो मिट्टी को है वो बहुत ही अच्छा बना के रखते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मैं फिल कर दूंगी ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से स्टेबल हो जाए। देखिए अब चूंकि फिल करने के बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फंजीसाइड, तो वो तो मैं अपने हर प्लांट में यूज़ करती हूँ, उसका स्प्रिंकल करूँगी और फिर इसको पानी पिला दूंगी प्लांट को। और उसके बाद में कुछ 2 से 3 दिन के लिए मैं इसको अभी शेमी शेड में ही रखने वाली हूँ। 2-3 दिन के बाद में मैं फिर इसे वहाँ पे शिफ्ट करूँगी जहाँ इसको
लगभग 4 से 5 घंटे की जो धूप है वो मिलेगी, तो प्लांट और भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।